दोस्तों, टेक्निकल विद प्रतीक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो कुछ इस तरीके का होने वाला है। मैं आपको एक ऐसे दो ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जो लगभग एक जैसे और एक जैसे ही वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी की वीडियो लेके आती हूँ। टेक्निकल रिलेटेड तो मेरी वीडियो मिलेगी आपको, NBFC और RBI लोन एप्लीकेशन की डिटेल्स मिलेगी, मोबाइल रिलेटेड आपको डिटेल्स मिलेगी, प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा यहाँ पे आपको, YouTube रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी, और वेबसाइट रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या डेवलप कराना चाह रहे हैं या वेबसाइट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और ईमेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, जिन दो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो किस्त है, जिसको आपने सुना होगा, जो NBFC रजिस्टर्ड ऐप है। और इस ऐप की कुछ अच्छाई हैं तो कुछ बुराई भी हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 15 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट भी कर रहे हो तो अभी जल्दी जल्दी लिमिट को इंक्रीज नहीं कर देता, स्टार्टिंग में तो कर देता है लेकिन 20,000 के बाद ये लिमिट को धीरे धीरे, जैसे आपकी 20,000 या 20,000 तक लिमिट पहुंचती है तो फिर धीरे धीरे लिमिट को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन ये NBFC रजिस्टर्ड है। ये जो लोन क्लोजर होता है, जैसे आप इसको लोन क्लोज करते हैं तो ये तुरंत आपको NOC सेंड करता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और ये आपको ऊपर ही मेंशन है, RBI रजिस्टर NBFC लोन ऐप फॉर इन इंडिया फॉर EMI शॉपिंग और इंस्टेंट पर्सनल लोन। इधर से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं लेकिन शॉपिंग का फीचर मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा है, क्योंकि कभी अवेलेबल होता है कभी नहीं होता है। इसमें लिखा है 10,000 से लेके 1,00,000 तक की लिमिट प्रोवाइड करते हैं ये, और इंटरेस्ट जो वेरी करता है 14% से लेके 28% तक करता है। और इसमें लोन टेन्यूअर जो लिखा है, मिनिमम फ्रॉम 3 to 24 मंथ, ये गलत लिखा है। ये स्टार्टिंग 15 डे के लिए ही करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, टाइमली रिपेमेंट भी कर दो तो भी बहुत ही मुश्किल से इनका जो टेन्यूअर होता है वो बढ़ता है। अब आती है ये, इसमें आप बिजनेस भी परचेस कर सकते हैं, जैसे मीन्स आपको अगर कोई मोबाइल वगैरह लेना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके और डिटेल्स के लिए, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए अच्छा है, और इसमें कोई भी सैलरी प्रूफ की, सैलरी स्लिप की नीड नहीं होती, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती। इनिशियल स्टेज पे जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की नीड होती है। बाकी यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई है जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, और ये NBFC है तो आप फुल ट्रस्ट कर सकते हो। बस एक ही ड्रॉबैक है जो मैंने आपको बताया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 15 डे के लिए मिनिमम प्रोवाइड कर रहा है अभी करेंट में। कुछ यूजर के लिए ये ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो बहुत ही कम है। और इससे मिलता जुलता एक और लोन एप्लीकेशन है जिसकी डिटेल्स भी आपको साथ ही में देने वाली हूँ। उस लोन ऐप का नाम है रूफिलो ऐप, ये भी सैम वर्क करता है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी, इसकी भी 4.4 रेटिंग है, क्योंकि इंस्टेंट आपको डिस्पर्स करता है। जैसे आपने अप्लाई किया तो तुरंत आपको इंस्टेंट डिस्पर्स करेगा, आपके पास मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा। इनके इसके जो इंटरफेस है, फंक्शन है, सैम किस्त के लोन की ऐप की तरह है। 50,00,000 लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया है इसको। और जैसे इसमें भी लिखा है, ये रूफिलो ऐप RBI रजिस्टर्ड ऐप है, देख पा रहे होंगे। रूफिलो प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट एंड स्मॉल बिजनेस लोन पैन इंडिया फ्रॉम RBI रजिस्टर्ड NBFC। तो इन दो ऐप पे आप फुल ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसका टाइमली रिपेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल ख़राब होगा, क्योंकि ये NBFC ऐप है तो आपको इनका टाइमली रिपेमेंट करना होगा। आप इनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं कि आप पेमेंट नहीं करें तो आपका सिविल ख़राब नहीं होता, ये आपके सिविल में दिखते हैं अगर आप टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते तो। इसमें इनका प्रोसेसिंग फीस 8% लिखी हुई, इंटरेस्ट रेट उससे भी ज़्यादा है इसका, किस्त का आपको 14% से 24% तक दिखा रहा था। इसका इंटरेस्ट रेट 18% पर एनुअल है फॉर टेन्योर ऑफ 3 मंथ, बट ये भी 15 डे के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो आप इन चीज़ों पे मत जाइए, जब अप्लाई करेंगे
करेंगे तभी आपको टाइम शो होगा, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए हैं। ये भी आपको मिनिमम, ये भी आपको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करता, इनिशियल स्टेज पे जैसे किस्त करता है वैसे ही आपको ये लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किस्त से भी ज़्यादा है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड हो तो आप इन ऐप पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नीड नहीं है या आप अगर आपकी किसी से लेके काम चल सक रहा है तो आप प्लीज़ उनसे लेके चलाइए, क्योंकि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिएगा। थैंक यू।